हम लोग देखेंगे अभी अपना पीएलसी का वायरिंग डिटेल्स। इसमें ये हम लोग ये SMPS लिया हुआ है, 240 वोल्ट एसी इनपुट से 24 DC अपने को आउटपुट दे रहा है SMPS। ये अपना पीएलसी है, डेल्टा का पीएलसी है। मॉडल हमारे DVP20EX2R रिले मॉड्यूल। ये अपना एक रिले आउटपुट रिले मॉड्यूल है, 4 चैनल वाला। मैंने यहाँ पे 4 चैनल ड्रॉ किया हुआ है, एक्चुअली हमारे पास 8 चैनल वाला रिले मॉड्यूल है। इसमें पीएलसी वायरिंग में दो टाइप का वायरिंग होगा, एक सिंक वायरिंग एक सोर्स वायरिंग। पहले हम लोग सोर्स वायरिंग देख लेते हैं। नॉर्मल ये एक SMPS के अंदर हम लोग 240 वोल्ट एसी लाइट न्यूट्रल अर्थ दे दिया है। फिर SMPS से जब 24 DC आउटपुट निकलता है, उसका हम लोग प्लस के साथ कॉमन वायरिंग किया हुआ है SS। एस मतलब ये PLC के अंदर एक S/S करके टर्मिनल है, जो हम लोग मैं अभी PLC में बताऊंगा। वहां पे सिंक एंड सोर्स करके है, वहां पे मैंने प्लस का कॉमन, वहां पे मैंने प्लस दे दिया है। और जो 24 DC का माइनस है, तो मैंने एक एक इनपुट को, ये पुश बटन है, ये मैंने X0 का एक पुश बटन लिया, X1 के लिए एक पुश बटन लिया, X2 के लिए एक पुश बटन लिया हुआ है, वहां पे दे दिया है। और आउटपुट के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, ये डेल्टा पीएलसी के अंदर मेरे पास एक पीएलसी के अंदर एक इनबिल्ट 24 DC आउटपुट है, जो 24+ और 24G लिखा हुआ है। जो 24+ में से प्लस निकलता है, 24G में ग्राउंड जाता है। ये दोनों के बीच में हम लोग वोल्टेज चेक करेंगे, DC वोल्टेज, तो 24 वोल्ट आउटपुट मिलेगा मेरे को। तो उसी आउटपुट का यूज मैंने यहाँ पे PLC के अंदर आउटपुट के लिए कर दिया है। तो 24 DC का जो प्लस है वो मैंने कॉमन में ले लिया, और हर एक Y0, Y1, Y2, यहाँ पे मैंने दो कनेक्शन किया हुआ है, Y0 और Y1 एक्चुअल PLC के अंदर। तो 24 DC यहाँ पे कॉमन में कंटिन्यूस रहेगा। जब Y0 एनर्जाइज होगा हमारा प्रोग्राम के हिसाब से लैडर लॉजिक में, तब Y0 में से 24 DC निकल के रिले के प्लस में जाएगा, और 1 का माइनस में, मतलब उसी रिले का माइनस में से कनेक्शन निकल के सीधा 24 ग्राउंड में चला जाएगा। मतलब यहाँ पे 24 DC कॉइल वाला जो रिले है वो एनर्गाइज होगा, वो एनर्गाइज होगा। इसलिए यहाँ पे हमने एक दो यहाँ पे 240 वोल्ट AC वाला AC आउटपुट वाला हमारे पास उसी रिले के अंदर एक चैनल है, 8 चैनल है। मैं यहाँ पे दो चैनल का कनेक्शन किया हूँ, ड्राइंग में 3 दिया दिखाया, लेकिन मैंने एक्चुअल में 2 कनेक्शन किया हुआ है। तो यहाँ से लाइन गया, लाइन जो आया लाइन L, और मैंने P1 में दे दिया। P मतलब पावर, O मतलब NO, C मतलब NC, पावर में दे दिया। वहां से दूसरे में P2 में पावर में लिंक कर दिया। सारे पावर को ये ऐसे P3, P4, P5, P6 सब में ऐसा ये लिंक चला जाएगा, ताकि यहां तक पावर रहेगा। अभी एनसी से डायरेक्ट ये पावर जब रिले एनर्गाइज नहीं होगा, तब ये जो पावर है वो 24 ये एनसी कनेक्शन से निकल रहा है। जब ये रिले एनर्गाइज होगा, तब वो पावर एनओ से निकलेगा, मतलब एनओ होगा वो एनसी हो जाएगा, वहां से वो पावर निकलेगा। और एनसी जो होगा, जहां से पावर पहले से निकल रहा था एनसी से, वो एनओ हो जाएगा, मतलब वहां से पावर निकलना बंद हो जाएगा। तो हम लोग क्या किया है, एनओ में कनेक्शन किया हुआ है ये LED के लिए, ताकि जब रिले एनर्गाइज हो, जब जब PLC उसको आउटपुट दे कि भाई ये रिले एनर्गाइज करने के लिए आउटपुट दे, तभी वो यहाँ से एनओ का एनसी होगा, और ये पावर जो है वो LED या लैम्प जो भी है 240 वोल्ट AC का कनेक्शन वाला उसमें चला जाएगा। फिर वहां से वो दूसरा उसका कनेक्शन सीधा न्यूट्रल में चला जाएगा। सेम चीज हम लोग अगर सिंक में करते हैं, हम लोग माइनस जो वोल्टेज है वो हम लोग यहाँ पे S/S कॉमन में दिया हुआ है। सेम यहाँ पर 24 वोल्ट का जो ग्राउंड था, जो 0 वोल्टेज था, मतलब माइनस वोल्टेज या 0 वोल्टेज जो था, वो हम लोग कॉमन में दिया हुआ है। फिर ये जब फर्स्ट Y0 आउटपुट ऑन होगा, तो यहाँ से ये 0 वोल्ट इस माइनस में जाएगा, सर्किट पूरी करते हुए ये प्लस वोल्टेज यहाँ से निकल के इसमें चला जाएगा 24+ में। तो यहाँ पे ये माइनस हम लोग कॉमन भी किया हुआ, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी माइनस कॉमन किया, ये सिंक वायरिंग हो गया। तो हम लोग अभी इसका एक एक चीज का PLC के अंदर कनेक्शन करके, फिर उसका आउटपुट PLC से, PLC के लैडर लॉजिक सॉफ्टवेयर से, और एक्चुअल उस बटन हम लोग को ऑन ऑफ करके देखेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा PLC का प्रोग्राम है, डेल्टा PLC, ISP सॉफ्ट में हम लोग ये प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे एक सिंपल सा 2 रंग का एक प्रोग्राम हम लोग बनाया हुआ है। X0 स्टार्ट बटन लिया है, X1 स्टॉप बटन लिया है, ग्रीन LED को चालू करने के लिए Y0 लिया हुआ है, और वो Y0 यहाँ पे लेज किया हुआ है।
ग्रीन एलईडी को, ताकि हम लोग जब एक्स जीरो को एक बार बटन दबाएंगे तो वाई जीरो चालू का चालू ही रहेगा, जब तक हम उसको स्टॉप एक्स वन का बटन नहीं दबाएंगे तब तक वो चालू रहेगा। और नीचे कैसा लिया है कि ग्रीन एलईडी जब चालू है तभी आप एक्स टू का बटन दबाएंगे तो ही वाई वन मतलब कि रेड एलईडी चालू होगा। अगर वाई जीरो ऑफ है, ऑन नहीं है, तो एक्स टू कितनी बार भी दबाने से वाई वन चालू होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमने उसका इफ कंडीशन लिया हुआ है। अभी ये प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल कर लिया, सेव कर लिया। अभी पीएलसी के अंदर में इसको ड्राइवर मोड ओके कॉम एम जी आर, अभी हमारा ड्राइवर चालू है, समझते एक बार ओके। पीएलसी ट्रांसफर लोड डाउनलोड, ये अभी पीएलसी के अंदर ये प्रोग्राम डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड 100% हो गया। अभी इसको हम लोग क्लोज करके अभी ऑनलाइन मोड में जाएंगे, पीएलसी ऑनलाइन मोड, ऑनलाइन मोड आ गया, स्टॉप लिखा हुआ है। अभी पीएलसी को हम लोग रन कर लेंगे, रन पीएलसी टू यूज टू कंफर्म यस, पीएलसी अभी हमारा रन हो गया है। अभी हम जब पीएलसी को ये कमांड देना है तो हमको यहाँ पे ये सेट एमपीयू करके उसको ऑन करना पड़ता है, एनेबल करना पड़ता है, ये एनेबल हो गया। अभी मैं यहाँ से ऑन करूँगा तो ये ऑन होगा, इसको मैं वापस पुश बटन की तरह इसको ऑफ कर देता हूँ, और यहाँ से मैं इसको ऑन करूँगा तो ये ऑफ हो जाएगा। अभी अभी मैं इसको एक्स टू को ऑन करता हूँ तो ये ऑन होगा, ये वाला ऑन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वाई जीरो का ये लिया हुआ है, उसका इफ कंडीशन लिया हुआ है। मैं इसको चालू करके उस बटन से मैंने ले लिया, अभी ये वाई जीरो चालू होने के बाद वाई जीरो चालू है। अभी मैं इसको एक्स टू को दबाता हूँ तो ये वाई वन अपना चालू होता है, जब उस बटन से लोग फिंगर ले लेंगे ऑफ, ये भी ऑफ हो जाएगा। अभी मैं इसको एक्स टू को एक्स वन को ऑन करूंगा तो ये आउटपुट चला जाएगा। सपोज हमको यही सेम सेम चीज अगर पीएलसी से मतलब एक्चुअल पुश बटन से करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेट एमपीयू को यहाँ से डिसेबल करना पड़ेगा। अभी ये चीज जो है ये यहाँ से काम करेगा नहीं, कम्युनिकेशन एरर दिखाएगा, क्योंकि हम लोग सेट एमपीयू को हम लोग डिसेबल किया हुआ है, अभी एनेबल हम लोग नहीं कर रहे हैं। पीएलसी से अगर पुश बटन को ये करते हैं, पुश बटन से अनलॉक करते तो पीएलसी ऑपरेट होगी, क्योंकि पीएलसी अभी रन मोड में है। ये हमारा एक्स जीरो बटन है, इसको तो हम चालू करेंगे, ग्रीन एलईडी चालू हो जाएगा। अब देख सकते हैं रिले का भी आउटपुट आ रहा है, इसको मैं ऑफ करता हूँ तो ग्रीन एलईडी ऑफ हो रहा है, रिले का यहाँ पे भी ऑफ हो रहा है। ग्रीन मैं अभी एक्स जीरो वापस दबा रहा हूँ, यहाँ पर भी रिले में भी आउटपुट दिखा रहा है और यहाँ पे ग्रीन दिखा रहा है। अभी प्रोग्राम ऐसा किया है कि वाई जीरो मतलब ग्रीन एलईडी जो है वो चालू होगी, वाई जीरो चालू होगा तभी अपना वाई वन काम आएगा। अभी मैं ये बटन दबा के प्रेस करके करता हूँ तो ये काम हो रहा है, ग्रेट ले रहा है। अभी इसको स्टॉप कर दूंगा, रेड एलईडी में कुछ इफेक्ट आएगा नहीं, क्योंकि हमने ये बटन के साथ एक्स जीरो के साथ ग्रीन एलईडी ग्रीन लाइट वाला लैच किया हुआ है, इसलिए चालू रहता है। अभी इसके साथ मैं अगर इसको प्रेस करता हूँ एक्स वन वाले को एक्स टू वाले को तो होता है, मैं इसको स्टॉप करूँगा तो ये स्टॉप हो जाएगा, ये भी काम नहीं करेगा। एक्स जीरो स्टार्ट, एक्स वन स्टॉप, एक्स टू रेड एलईडी, वाई जीरो में ग्रीन एलईडी, वाई टू में रेड एलईडी। तो बस दोस्तों इतना सा ही छोटा सा प्रोग्राम था, ये जस्ट मैं आप खाली पीएलसी का इनपुट आउटपुट डिजिटल इनपुट डिजिटल आउटपुट का समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, कुछ भी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके थैंक यू वेरी मच।